किस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे स्मार्टफोन के कुछ चार ऐसे हिडन फीचर के बारे में। तो गाइस एप्लीकेशन को ओपन करना, सेटिंग एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ भी आपको सर्च करना है लैंग्वेज एंड इनपुट का नाम का ऑप्शन होगा, उस पर आपको सर्च करना है उसको। तो गाइस यहाँ मैं लैंग्वेज इनपुट को नाम का ऑप्शन सर्च कर चुका हूँ, उस पर क्लिक कर पर्सनल डिक्शनरी नाम को एक ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ भी देख सकते हो प्लस आएगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जैसे आप लिखते हो किसी को व्हाट्सअप में कैसा है भाई, चाहे कुछ ऐसा लंबा कीवर्ड जो आपका टाइम को यहाँ पर वेस्ट करता है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। लिखने के बाद फिर यहाँ पे देख सकते हो कुछ दो कीवर्ड यहाँ पे एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे से आपको क्या करना है, अब यहाँ से आपको राइट निशान पर क्लिक कर देना। जैसे मैं राइट निशान पर क्लिक बैक आया, बैक आने के बाद यहाँ देख सकते हो हमारा जो मैंने लिखा है वो हमारे यहाँ पे आ चुका है। आने के बाद मैं से इसको बैक करता हूँ। बैक करने के बाद यहाँ से मैं व्हाट्सअप एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर पसंद आता। तो जैसे कि आपको पता है व्हाट्सअप में हम किसी से चैट करते हैं और यहाँ पे मैं एसके लिखता हूँ। सो गाइस देख सकते हो यहाँ पे मैंने एसके लिखा है। एसके लिखने के बाद यहाँ पे हम जैसे कि वहाँ पर लिखा था पर्सनल डिक्शनरी कैसा है भाई, वहाँ पर यहाँ पे आ चुका है। आने के बाद सिंपल यहाँ पे सेंड कर सकते हो, आपका इससे टाइम का वेस्ट नहीं होगा, टाइम का बचत होगा। सो गाइस दूसरा जो फीचर है वो पता है कि कोई हमारा ऐसा वीडियोज या फोटोज रहता है जो कि हम सबको यहाँ पर हाइड करके रखना पड़ता है, लेकिन कभी कभी कोई हमारा जो फोटोज है वीडियोज वो देख लेता है। लेकिन गाइस मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आपका फोटो वीडियो हाइड रहेगा, जब कोई देख भी लेगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि वो फोटो है वीडियो है। तो आपको सिंपल सा फाइल्स एप्लीकेशन को ओपन करना है और यहाँ पे जो आपको वीडियो को यहाँ पे से हाइड करना है उसको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करना है, रीनेम पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको इस तरफ जो लिखना है जो नाम लिखना है लिख देना है। उसके बाद फिर मैं जो सजेस्ट करूँगा आप क्वेश्चन मैथ क्वेश्चन पेपर लिख दो सिंपल सा, और यहाँ पे डॉट लगाना गाइस और txt आपको मैथ क्वेश्चन जगह जो लिखना है लिखना है, लेकिन डॉट txt लगाना मत भूलना गाइस। तो ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो यहाँ फिर ओके किया, यहाँ से वीडियो हट चुका है। अब यहाँ पे मैं वीडियो फाइंड करके दिखा देता हूँ आपको। तो देख सकते हो यहाँ पे मैं अपना वीडियो फाइंड कर लेता हूँ फटाफट यहाँ से। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड का ऑप्शन है हमारा, वो आ चुका है। यहाँ देख तो मैथ क्वेश्चन txt उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जिसमें आपको ओपन करना है उस पर कर लेना ओपन। चलिए मैं फटाफट यहाँ से ओपन कर लेता हूँ ब्राउज़र में। ब्राउज़र में ओपन, मैं जैसे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो मैथ क्वेश्चन का txt है वो देखो अभी कैसा हो जाएगा। अभी आप देखो खाली पूरा लगेगा रियल में कि इसमें कुछ ये फालतू है एकदम, मतलब इसमें कुछ नहीं, खाली मैथ का क्वेश्चन है। देख सकते हो लोडिंग ले रहा है, लोडिंग लेने देते इसको फटाफट। तो चलिए लोडिंग लेने देते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो है कैसा यहाँ पे खुल चुका है, ये आप सबके सामने हुआ है सारा। गाइस अब यहाँ से मैं इसको रीनेम करता हूँ आपके सामने। गाइस यहाँ से आपको रीनेम कर देना है जो आपको यहाँ पे से। तो चलिए गाइस मैं ऐसे थ्री डॉट पे क्लिक करता हूँ, रीनेम पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं लिख देता हूँ समीर, और यहाँ से डॉट लगाना गाइस। जब आपको इसका काम होगा वीडियो होगा तो डॉट लगाना, MP4 लिखना, उसके बाद ओके कर देना, फिर रीनेम कर देना। फिर यहाँ से आपका देख सकते हो हमारा जो वीडियो है वो यहाँ पे फीचर है, वही बहुत ऑसम फीचर। जैसे आप पता है कि हम सब के यहाँ पर स्मार्टफोन में एक ऐसा हिडन गेम रहता है जो कि आप बहुत सारे बंदों को नहीं पता रहता है। तो गाइस आपको यहाँ पे क्या करना है, क्रोम एप्लीकेशन को ओपन करना है। पहले तो आपको जो भी आप यूज़ कर रहे हो वाईफाई या फिर आपका नेट ऑन है तो आपको उसको ऑफ कर लेना। ऑफ करने के बाद यहाँ पे देखो आपको सिंपल सा आना है और यहाँ पे सर्च करना है आपको कुछ भी, यहाँ पे सर्च करना है। चलिए मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ, जैसे मैं इसी को सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद अब यहाँ पे देख सकते हो हमारे सामने एक गेम आ रहा है, जैसे आपको अभी देख सकते हो ऊपर में इस पर क्लिक करना है और जैसे हमारा गेम यहाँ से चालू हो चुका है। अब यहाँ पे आपको सिंपल सा देख सकते हो गेम हम आराम से यहाँ पे खेल सकते हैं टाइम पास के लिए, बहुत बेहतर गेम है गाइज। और यहाँ से नेट भी आपका बचत होगा और यहाँ से आपका टाइम पास भी हो जाएगा अच्छा से। तो गाइज़ ये था तीसरा फीचर हिडन गेम हम सब के स्मार्टफोन में रहता है। तो गाइज़ आपको कैसा लग रहा है वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं फोर्थ फीचर की तरफ। फीचर है वो भी गाइज आप भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है हम सब के लिए। सो गाइज आपको सेटिंग में आना, सेटिंग में आने के बाद नीचे आपको स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है एक्सेसिबिलिटी नाम का एक ऑप्शन हो उसको सर्च करना है। यहाँ पे देख सकते हो स्मार्ट स्प्लिट का नाम का एक ऑप्शन, उस पर क्लिक करना और यहाँ से आप उसको टर्न ऑन कर लेना है। व्हाट्सअप और मैसेज को सिलेक्ट कर लेना, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप जैसे आपको ऑफ रहेगा इस तरीके से आपको यहाँ पे से ऑन कर लेना। देख सकते हो मैसेज इन स्क्रीन स्प्लिट का ऑप्शन है उसको ऑन कर लेना, ऑफ रहेगा आपका। इससे क्या हो कि देख सकते हो यहाँ पे आपका स्क्रीन आपको यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन पर आप नज़र आ रहा है। देख सकते हो यहाँ पे हमने किसी को मैसेज भेजता हूँ, मैसेज भेजने के बाद यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो मैसेज भी आ रहा है और यहाँ पे वीडियो भी चल रहा है। देख सकते हो ऐसा कुछ यहाँ पर चल रहा है। तो आपका यहाँ पर से बहुत ही यूजफुल फीचर है गाइज ये हम सब के लिए। तो गाइज ये था कुछ वीडियो में, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर ऐसी वीडियो चाहते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।